ईद की तैयारियाँ आपकी कैसी चल रही हैं? कितनी शॉपिंग हो चुकी है, कितनी पेंडिंग है? जब तक ये है चलती रहेगी। ये बेसिकली ईद है ही फैमिली गैदरिंग्स के लिए। कल हमने गोश्त लिया था, हम डर रहे थे। बड़ी ईद है तो सब यही कह रहे हैं कि गोश्त की ईद है, गोश्त की ईद होती है, लेकिन मेरे लिए तो कपड़ों की है। नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ोहा ब्लॉच। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ लिबर्टी मार्केट में और हम यहाँ पे लोगों से पूछेंगे कि आज चांद रात का मौका है और लोगों की ईद की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची, उन्होंने क्या क्या ले लिया है और क्या क्या चीज़ें रह गई हैं। आइए चलते हैं, जानते हैं लोगों से। और अभी मैं इस टाइम पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मुझे बहुत सारा रश नज़र आ रहा है। चलो चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, आ जाइए। ईद की तैयारियाँ आपकी कैसी चल रही हैं? कितनी शॉपिंग हो चुकी है, कितनी पेंडिंग है? जब तक ये है चलती रहेगी। बहुत खर्चा करवाती हैं, बहुत ज़्यादा जी। इतना शॉपिंग तो चलती रहती है, लास्ट मोमेंट तक आपको पता है कुछ ना कुछ रह ही जाता है खरीदने के लिए। तो कितनी शॉपिंग आपकी अब तक हो चुकी है? ड्रेसेस ले लिए हैं, शूज रह गए हैं, बैग रह गए हैं, ज्वेलरी रह गई होती। जी जी जी, लास्ट मोमेंट तक चलती रहती है ज्वेलरी प्लस मेहंदी, लास्ट मोमेंट तक चलती। अच्छा, मुझे लगता है आपको ज्वेलरी का ज़्यादा शौक है। जी, इयररिंग्स का शौक है। इयररिंग्स का सर को ज़्यादा अच्छा पता है। सर, और बताइए इनकी एक्टिविटी के बारे में, शॉपिंग के अलावा इनको क्या क्या करना पसंद है? ईद का जी फर्स्ट डे जो है हमारा बड़ा बिजी गुजरता है, हमारी सारी फैमिली का गेट टुगेदर होता है। मेरे फादर माशाल्लाह 9 बहन भाई हैं, उन सब का गेट टुगेदर होता है। अच्छा, हमारे घर मतलब अबाउट 65 to 68 लोग होते हैं। मैं सबको सर्व करती हूँ, सबकी कुकिंग करती हूँ। ये ट्रेडिशन मेरे फादर से चल रहा है। अच्छा। और हम स्टिल अब इसको जो उनकी लेगेसी को जो है ना कंटिन्यू कर रहे हैं। बड़ी ईद है तो सब यही कह रहे हैं कि गोश्त की ईद है, गोश्त की ईद होती है, लेकिन मेरे लिए तो कपड़ों की है। कपड़ों की है तो क्या क्या ले चुकी हैं अब तक मैं, और क्या चीज़ें रह गई हैं? मेरी ज्वेलरी रह गई है मेरी, और अभी दुपट्टे देख रही थी कपड़ों के साथ मैचिंग, और बस यही सब कुछ चल रहा है। कोई रेसिपी शेयर कर देंगे? ईद आ रही है आपको पता, और कोई एक रेसिपी जो आपको बहुत पसंद हो? अच्छा, वो ना हमारे नेबर्स हैं, उन्होंने ना एक दिन हमारे घर में सेवियाँ भेजी थी, तो वो बहुत मज़े की थी। तो ईद है तो सेवियाँ तो होती हैं, तो फिर मैंने उनसे पूछा था कि उन्होंने कैसे बनाई थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने रॉ मिल्क के अंदर ही सेवियाँ डाल के उबलने रख दी थी, और वो बहुत पक के जब दूध का क्रीमी टेक्सचर हो जाए ना, फिर उसको निकाल के किसी बॉल में ठंडा करना है, और फिर उसमें क्रीम मिक्स करके, और फिर उस पर गार्निश आमंड्स और वॉट एवर नट्स यू वॉन्ट। तो बाकी सुनने में बहुत यम्मी लग रहा है। सर, ईद पे आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती है कुर्बानी के अलावा? बस यही है कि बच्चों की शॉपिंग करवा दी या कुर्बानी खरीद ली, या ईद वाले दिन तो फिर आपको पता है कलेजी वगैरह बनवा के तो खा ली, बस यही चीज़ें होती हैं बस। तो इनको मेहंदी वगैरह का शौक है, आपकी तैयारी कितनी हो गई है? काफ़ी ज़्यादा हो गई है, बस थोड़ी सी जो रहेगी वही करना है। क्या क्या लिया आपने ईद के लिए? सूट, जूते, मेहंदी, चूड़ियाँ, यही सब कुछ। मेहंदी खुद लगाती हैं कि बाहर से लगवाती हैं? बाहर से। बहुत शौक है? शौक तो बहुत है। किस कलर का आपने ड्रेस लिया है? वो लाइट सा कलर है, पिस्ता कलर। वाओ, इधर से शॉपिंग करती हैं आप? इधर से करते हैं हर बार। तो फिर मज़ा आता है ईद पे? छोटी ईद पे ज़्यादा मज़ा आता है कि बकरा ईद पे? छोटी ईद पे ज़्यादा आता है, क्योंकि ईद पे होती है। हाँ, पैसे मिलते हैं। ईद पे क्या क्या एक्टिविटी होती है, किस तरह से आप सेलिब्रेट करती है? कुर्बानी का गोश्त वगैरह तो होता है, वो तो आपने एक तरफ लगा देना, उसके बाद आप क्या करती हैं? उसके बाद ये होता है कि घर वालों की क्योंकि फरमाइशें बहुत ज़्यादा होती हैं, उनके अकॉर्डिंगली हमने उनको सर्व करना होता है। फिर बिकॉज हम सब वर्किंग वुमेन हैं, तो वर्किंग वुमेन जो होती हैं वो अपना प्री प्लान कर रही होती हैं कि उनको फर्दर आगे जो जो 4-5 छुट्टियों के बाद उन्होंने क्या करना है और किस तरीके से करना है, हमारा मोस्टली ये होता है। और फिर ये भी होता है कि आपने किसी रिलेटिव से मिलना है, वो यही 2-4 आपके दिन होते हैं, उसी में हम अपना वो सारा कर लेते हैं। कल हमने गोश्त लिया था, हम डर रहे थे, तो ना बाबा ने बोला मैं कल ला दूंगा। माशाल्लाह, बहुत क्यूट बोलती है। और मैम, आप बताएं कि ईद पे आप क्या क्या करती हैं? जैसे कि बकरा ईद है, घर पे सारे गेस्ट आएंगे, कलेजियाँ बनाएंगे सबसे पहले हम लोग, और उसके बाद गोश्त की तकसीम होगी, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डे सारी बहनें घर पे आएंगी, और बस यही आना जाने ही लगा रहेगा। एज ए देसी वुमेन पहला दिन तो घर में गुजरेगा क्योंकि कुर्बानी है, तो इस वजह से पहला दिन को यही मसरूफियात में गुजरता है, गैदरिंग्स वगैरह, फैमिली गैदरिंग्स होती हैं। बेसिकली ईद है ही फैमिली गैदरिंग्स के लिए। जी, तो इसके अलावा क्या क्या एक्टिविटी फ्रेंड्स वगैरह के साथ जाती हैं आप?
नहीं, फ्रेंड्स वगैरह के साथ तो नहीं, लेकिन फैमिली गैदरिंग्स ही होती हैं, फैमिली में ही कजन्स वगैरह उनके साथ आउटिंग्स हो जाती हैं, इधर उधर जाना हो जाता है। तो आप कुकिंग करती हैं? नहीं, ईद पे नहीं करती। ईद पे नहीं? वैसे ईद पे अम्मा जिंदाबाद। अम्मा जिंदाबाद। अम्मा क्या अच्छा बनाती हैं? अम्मा भुना हुआ गोश्त अच्छा बनाती हैं, ईद के हवाले से भुना हुआ गोश्त अच्छा बनाती हैं, खीर वगैरह अच्छी बना लेती हैं, कलेजी बहुत अच्छी बनती है हमारे घर में। अब तक आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और क्या क्या चीज़ रह गई है ये बताइएगा। मेरी, मैं बता रही ना, ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है, बस एक मेहंदी लगवानी है और ज्वेलरी रहती है। अच्छा, मेहंदी लगवाने के लिए आप काफ़ी जल्दी नहीं आ गई? रश की वजह से तो नहीं? बहुत रश होता है, रात को काम ज़्यादा होता है, तो मेरे हस्बैंड कह लेंगे बस अभी चले। अभी लगवा के आ जाए, अभी लगवा के आ जाए, फिर देर बहुत हो जाएगी। जी हाँ, सुबह में फिर ज़ाहिर है नमाज का भी होता है, सब कुछ होता है, इसलिए। तो अच्छा, ईद कुर्बान मतलब कुर्बानी का जो काम है वो निपटा के आप क्या क्या एक्टिविटी है आपकी, क्या करती हैं, खाना क्या बनाती हैं सबसे अच्छा? हाँ। आपके हस्बैंड को क्या चीज़ पसंद है? मेरे हस्बैंड को मेरा भुनावा गोश्त अच्छा लगता है, जो होता है हर घर में ही बनता है। कलेजी बहुत अच्छी बना लेती हूँ, पुलाव भी। तो ये तीनों तो चीज़ें मस्ट हैं फर्स्ट डे। नेक्स्ट है, हमने जाना है गेस्ट वगैरह के, तो बस इस तरह। तो मतलब कि ईद आपकी बिजी गुजरती है? बहुत बिजी। तीन मुझे लगता है आपको मज़ा भी आता है बहुत। आपकी ईद की तैयारी कैसी हो रही है? बिल्कुल सही जा रही है, सही जा रही है। आप क्या करते हैं ईद पे? मैं ये आपके सामने ये काम कर रहा हूँ, बच्चों के लिए करते हैं, बच्चों की ईद होती है। हाँ जी। तो बच्चों की ज़्यादा होती है। तो आप कहीं आना जाना है आपका ईद पे, कोई एक्टिविटी? ईद पे यही है, काम करेंगे, उसके अलावा तो कोई नहीं, कुछ भी नहीं। तो आप ये सब कुछ बेच के कितना कोई कमा लेते हैं? 2015 बजट है। अच्छा, रोजाना के ब्याह पे? कब से आप यहाँ? यहाँ पे 7-8 साल हो गए। कितने सालों से मेहंदी लगा रहे? जी मुझे 1 साल हो गया है। वैसे हमारा काम जो है वो 20-22 साल से है, लेकिन मुझे इस फील्ड में आए हुए अभी 1 साल। अच्छा, तो मेरे भी हाथ में अच्छा सा मेहंदी का डिजाइन बना, मैं अच्छी लगाऊंगा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि लड़ाई भी हुई हो कि मैंने आप ही से लगवानी है, कभी ऐसा हुआ है? दरअसल जब ज़्यादा लाइन होती है तो कोई कस्टमर काफ़ी देर वेट करने के बाद थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो हो भी जाता है, लेकिन कोशिश। तो फिर आप मैनेज कैसे करते हैं? कोशिश हमारी यही होती है कि जो लाइन में पहले आया है पहले उसी को लगाएं। हाँ। खास तौर के इन दिनों में सिफारिश भी हम नहीं चलाते। आपको इसका शौक कब से हुआ? ये इसका शौक मुझे अभी न्यू शौक ही है, और लगानी चाहिए, अच्छा काम है। सही। तो अच्छा, आपकी फैमिली में से किसी ने कभी कहा नहीं कि तुम मेहंदी का काम ही क्यों सीख रहे हो, कोई और क्यों नहीं? तकरीबन हमारी जो फैमिली है वो पूरी यही काम ही तकरीबन करती है। ओ, यानी कि जीन्स में है? जी सही, सही। पूरी फैमिली इसी फील्ड में ही है। जी नाज़रीन, मेरी तो मेहंदी हो गई फाइनल। ऑसम, बहुत ही हसीन, ये देख सकते हैं आप, इन्होंने लगाई है बहुत प्यारी माशाल्लाह, मुझे तो बहुत पसंद आई। मेरी चांद अब लग रहा है कि कल ईद है, जब तक ईद मेहंदी ना लगे तो मुझे लगता है कि आपकी ईद ही नहीं हुई। मेरे लिए तो ये बहुत ही नामुकम्मल है मेहंदी के बगैर ईद। जी नाज़रीन, ये थी हमारी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, और एडवांस में आपको मेरी तरफ से और मेरी टीम उर्दू पॉइंट की तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।